गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लॉकडाउन में घर पे हो और घर से ही पढ़ाई हो रही है। आजकल हम लोगों ने बड़े ही मजे में ठोस में दोस्त टॉपिक को खत्म किया। अब वो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हम लोग। तो आज के इस छोटे से क्लास में, एक छोटे से वीडियो में हम लोग दो तीन न्यूनतम सवाल बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और इस पर अन्य आधारित अगर आपके पास कोई प्रश्न आता है तो घर पे बैठ कर उसको हल करें। एक प्रश्न हमने बोर्ड पे लिख रखा है, प्रश्न है विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि लोहे के ऑक्साइड का सूत्र, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां एक लोहा है उसका ऑक्साइड है और ऑक्साइड का सूत्र है Fe 0.93O 1.00। अक्सर हम लोग इस तरह के ऑक्साइड नहीं देखते। आपने लोहे का ऑक्साइड ऐसे देखा है, आपने लोहे के F इस तरह से देखा हुआ है, Fe3O4 देखा है आपने, लेकिन ये कुछ अलग ऑक्साइड हो गया। ये है Fe 0.93O 1.00। तो कहा जा रहा है कि इस ऑक्साइड में कितना प्रतिशत Fe3, मतलब एक ही पर 3 प्लस है, और साथ ही साथ कितना प्रतिशत Fe2 प्लस, मतलब Fe2 प्लस वाले आ रहे हैं। पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा। इन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ऑक्साइड दिया गया है उस ऑक्साइड में जो आयरन है आपका वो दो रूप में है। एक आयरन जो है Fe जो लोहा है आपका, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। हम लोग क्वेश्चन को अगर समझते हैं तो पता चलता है कि जो Fe है वो दो रूपों में है। कुछ Fe3 प्लस के रूप में है और कुछ जो है Fe2 प्लस के रूप में है। तो आपको बताना है कि इसका प्रतिशत क्या है और साथ में इसका प्रतिशत क्या है इस यौगिक में, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रतिशत निकालने के लिए अगर मैं Fe3 प्लस की संख्या निकाल लूं, Fe2 प्लस की संख्या निकाल लूं, तो आसानी से हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम संख्या निकालेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए, मतलब Fe3 प्लस की संख्या और Fe2 प्लस की संख्या ज्ञात करने के लिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपको ऑक्साइड दिया गया है, जरा उस ऑक्साइड को देखिए। ऑक्साइड है हमारे लिए Fe 0.93 O 1.00। मैं क्या कर रहा हूँ, उस पॉइंट को खत्म करना चाहता हूँ। तो इसमें दशमलव के बाद दो अंक है, तो मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो गया 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये Fe 93 और वो हो गया 100। अब क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना Fe3 प्लस की संख्या बराबर एक्स, इसलिए Fe2 प्लस की संख्या बोलिए कितना होगा। कुल मिलाकर लोहा कितने हैं, 93 है, आयरन है, Fe की संख्या है 93, उसमें से कुछ 2 प्लस के रूप में है, कुछ 3 प्लस के रूप में है। जो 3 प्लस के रूप में है हमने मान लिया उसकी संख्या है x, तो 2 प्लस की संख्या स्वाभाविक तौर पर कितना, तो बोलिए 93 - 1 हम लिख सही 93 - 1। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 3 प्लस की तो संख्या हो गई x, तो कितना आवेश है इस पर। तो ऐसे सोचो कि Fe3 प्लस प्लस मान लीजिए इस तरह के, एक मिनट समझा रहे हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 गो 3 प्लस है, तो कुल कितने आवेश, 3 आवेश, और 3 6 आवेश, 3 9 और 3 12। तो आप ऐसे कर सकते थे कि 1 पर 3 आवेश है, कुल संख्या कितनी है 4, कितना हो गया 12, आप सिंपली निकाल सकते थे। तो हम देख रहे हैं कि Fe3 प्लस की संख्या x और 1 पर कितना आवेश है 3, इसलिए आवेश कितना हो गया, आवेश हो गया बोलिए हाँ बिल्कुल 3 × x बराबर 3x। और Fe2 प्लस की आवेश, यहां आवेश हो गया, देखिए 1 पर है 2 आवेश और संख्या कितना
तिरानवे माइनस एक, तिरानवे माइनस एक्स ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका तीन दुनी के छह नौ दुनी अठारह माइनस टू एक्स, ये टू एक्स। इसलिए कुल धन आवेश निकाल लेते हैं, ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, धन आवेश तो जोड़ देते हैं, एक सौ छियासी माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू हो गया एक सौ छियासी और प्लस एक्स। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहां देखते हैं ऑक्सीजन है 100, एक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन आयन, अब जानते हैं इसे दिखाते हैं हम लोग, पर दो इकाई ऋण आवेश होता है, एक ऑक्सीजन पर कितना ऋण आवेश होता है, दो, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, सौ, तो कुल ऋण आवेश कितना होगा, दो गुणे सौ बराबर 200, इसलिए कुल ऋण आवेश, इसलिए 100 ऑक्सीजन पर कुल ऋण आवेश बिल्कुल सही, दो गुणे सौ बराबर 200। तो हमारे पास धन आवेश हो गया 186 प्लस एक्स और ऋण आवेश हो गया 200। अब इतना एक महत्वपूर्ण बात समझ रहा है, क्या आपको इस यौगिक में कोई धन आवेश ऋण आवेश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये उदासीन है। तो उदासीन होने के लिए क्या शर्त है, कब उदासीन होगा, तो निश्चित रूप से अगर धन आवेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या अगर बराबर होगी तो उदासीन होगा। तो बस दो लाइन और देखेंगे, हाँ, क्योंकि अणु उदासीन है है, इसलिए धन आवेश की संख्या क्या हो जाएगी, ऋण आवेश। तो हमारे पास धन आवेश की संख्या कितनी है, 186 माइनस प्लस x बराबर 200, इसलिए x बराबर घटा लिए चल करके ये 200 माइनस 186 बराबर 14। तो x किसको आपने माना है, x माना आपने 3x, जैसे 3 प्लस को, इसलिए एटी थ्री प्लस की संख्या हो गई कितनी, 14। तो आप सीधे लिख सकते हैं, इसलिए एटी टू प्लस की संख्या 93 माइनस 14, देखिए हम एटी टू प्लस की संख्या 93 माइनस 14 ये कितना हो गया, बोलिए 79 हो गया। तो ये हो गया 79, लेकिन हमें संख्या नहीं निकालना, संख्या निकालना तो आंसर हो गया एफ थ्री प्लस की संख्या 14, एफ टू प्लस की संख्या 79, इस यौगिक में ये है, लेकिन हमें तो परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए एफ थ्री प्लस का प्रतिशत, तो कुल है कितना 14 को एफ थ्री प्लस की संख्या और एफ थ्री और एफ टू प्लस मिला के कितना है 93, देखें यहाँ पर 93 गुणे आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये परसेंटेज निकल जाए, और इस प्रकार देख रहे हैं कि भाग दे दीजिए आगे ये 15.05%, मतलब आपके कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कितना परसेंटेज ऐसे 3 प्लस है 15.05, अगर आप निकालना चाहते हैं एफ टू प्लस का भी प्रतिशत अगर, तो 100 में से 100 घटा लीजिए निकल जाएगा, अथवा 100 में से मत घटाइए, हमारे पास कितनी संख्या है 79, तो 79 टोटल होगा कितने हैं एफ 93 और गुणे 100 कर दिया हमने, ये परसेंटेज निकल गया, और इस प्रकार देख रहे हैं 84.4, आप भाग के देख लीजिए 84.94%। तो इस तरह से आपको कोई फिर से मैं एक बात जल्दी में समझा दूं, क्योंकि और इस तरह की मैं दो तीन सवाल बनाने वाला हूं सेम ही टॉपिक पर, सेम ही कंसेप्ट पर, ताकि बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाए।
आपको एक यौगिक दिया गया था, एक ऑक्साइड दिया गया था, इसमें लोहा जो है उसकी वैलेंसी 2 है लोहा और 3 है, हमें पता लगाना था कि इसमें कितना जो है लोहा की 3 वैलेंसी वाला लोहा है और कितना जो लोहा है वो 2 वैलेंसी वाला है। तो हमने क्या किया, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यौगिक हमारा इस रूप में हो गया। हमने मान लिया कि 2 प्लस की संख्या x है, 3 प्लस की संख्या घटा लिया और इस तरह से आपने निकाला और आंसर 2 प्लस 3 प्लस का परसेंटेज आ गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं इसी पर आधारित, तब तक आप इसे नोट करिए। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है उसी सेम टाइप पर आधारित है, सेम टाइप है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि किसी धातु के ऑक्साइड का शुद्धीय, आप ध्यान दीजिए कोई मेटल है और उस मेटल की ऑक्साइड का शुद्धीय है Am 0.9, Am स्टैंड फॉर मेटल, 0.96 और 1.00। तो बताना है कि Am2 प्लस और Am3 प्लस का प्रतिशत क्या है, मतलब हम ये समझ पा रहे हैं क्वेश्चन से कि जो धातु है Am वो 2 रूपों में है, Am2 प्लस है और कुछ Am3 प्लस है। तो आपको बताना है कि 2 प्लस इसका परसेंटेज क्या है और ये परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर वही ट्रिक, अगर हम लोग संख्या निकाल लें कि कितना जो है आपका M2 प्लस के रूप में है और कितना 3 प्लस के रूप में है, तो आराम से उनका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं फिर एक बार कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, फिर इसके बाद एक सवाल बनाते हैं, एक आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन देंगे ताकि आप घर में बैठ के सवाल बनाएं। तो यहां देखिए सबसे पहला काम आपने क्या किया था बताइए, तो इसका आंसर करने जा रहे हैं हम लोग। आपने सबसे पहले यौगिक लिया 0.96 और 1.00, हमें पॉइंट हटाना है, कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये M 96 हो गया और वो 100 हो गया। अब बोलिए क्या किया जाए, तो मान लेते हैं माना M2 प्लस चाहे 3 प्लस की मान लेते हैं, पर M3 प्लस उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या x है। तो फिर वही बात, अगर एक वो M3 प्लस पर एक M है 3 प्लस, उस पर आवेश है 3 इकाई धन आवेश, तो हमारे पास इस तरह के कितने यूनिट है x, तो कितने हो जाएंगे इसके आवेश, आवेश हो गया 3x, क्योंकि एक m पर 3 आवेश है और इस तरह के m की संख्या कितनी है x है, अतः आवेश हो गया 3x। अब बताइए कि m2 प्लस कितने होने, अरे भाई तो कुल मिला के 96 वो m है, उसमें से कुछ m x के रूप में है, सॉरी 3 प्लस के रूप में है x, तो बच गया 2x के रूप में कितना, बोलिए, हाँ बिल्कुल ये हो गया आपका 96 माइनस x, दोनों मिलाकर कितना है 96, तो आवेश कितना हुआ, तो इस पर कितना आवेश है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवेश हो गया 2 × 96 माइनस x, और इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x माइनस 12 के 2, 9 दुनी 18 और 1 19, 192 माइनस 2x, इसलिए कुल आवेश निकालिए, कुल धन आवेश, कुल धन आवेश, तो कुछ धन आवेश 3 M3 प्लस के रूप में और कुछ M2 प्लस के रूप में, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3x प्लस 192 माइनस 2x, समझ पाए ना, तो जोड़ दिया आपने कितना हो गया, बोलिए क्या हो गया 192 प्लस x, इतना हमें धन आवेश मिला। अब हमें ऋण आवेश पता लगाना है, तो बिल्कुल सिंपल उसी तरह से 100 वो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे 2 ऋण आवेश, तो 100 ऑक्सीजन पे कितने 200, बिल्कुल सही, क्योंकि लिख देंगे क्या एक ऑक्सीजन आयन,
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर दो इकाई ऋण आवेश होता है। एक ऑक्सीजन जो है उस पर दो ऋण आवेश, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, इसलिए 100 ऑक्सीजन आयन पर कितना हो जाएगा, 2 × 100 = 200। तो ध्यान दीजिए कि 200 ऋण आवेश होगा, ये जो आवेश होंगे 200 ऋण आवेश होंगे और ये धन आवेश। और आप देख रहे हैं कि अणु आपका उदासीन है, कोई धन आवेश ऋण आवेश नहीं। तो चूंकि ऑक्साइड उदासीन है, उदासीन करने का मतलब हो गया कि ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, सीधे लिख भी सकते हैं, इसलिए ऋण आवेश बराबर हो जाएगा धन आवेश। ऋण आवेश बोलिए कितना है हमारे पास, 200, धन आवेश कितना है 192 प्लस एक्स, और इसलिए एक्स बराबर 200 में से 192 घट गया, कितना हुआ 8। तो 8 जो संख्या किसकी है, एक्स किसका हमने माना है m3 प्लस, इसलिए m3 प्लस की संख्या 8। तो और m2 प्लस की संख्या आप चाहे तो इसे निकालेंगे, इसलिए परसेंटेज m3 प्लस का परसेंटेज देखिए कैसे निकालेंगे, कितना है टोटल m 96 को, तो एक m3 प्लस है कुल है 96 गुणे 100, आप तो इससे भाग दे दीजिए और देखिए कि कितना आ रहा है। तो ये आ गया आपका 8.33, एक पॉइंट भाग देकर देख लीजिए 33% हो गया। तो दूसरा हमें अगर m2 प्लस का परसेंटेज निकालना है तो थोड़ा सा हमें करूँ अप्लाई कर लेते हैं m2 प्लस का प्रतिशत, तो सीधे सीधे कुछ करें जो कि घटा देते 100 में से, ये जो है 8.33, और इस तरह से आपके लिए आ गया 91.93, ये 33 आते रहेगा 91.67%। तो आप देख पा रहे हैं कि m2 प्लस निकल गया कितना 8.33 और m3 प्लस हो गया कितना 8.33 और m2 प्लस हो गया 91.67%। तो इस यौगिक में m2 रूपों में था, 2 प्लस के रूप में और 3 प्लस के रूप में, m2 प्लस की संख्या कितनी आ गई आप देख पा रहे हैं 91.67% है और ये कितना आ गया 8.33%, जैसा हमने किया हुआ है। और इस तरह से इस सवाल को आप हल कर लीजिए और फिर इसके बाद एक और सवाल हल करते हैं सेम टाइप पर, और फिर आपसे एक होमवर्क देते हैं। आज का हम लोग का वीडियो इसी पर डाल रहेगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स आज के लिए सेम टाइप पर तीसरा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, मैंने लिख दिया इस चीज के लिए ताकि आपको पता चले कि काफी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन वही है, एक तरह से समझिए कि प्रयोग से ज्ञात होता है कि किसी धातु के ऑक्साइड का सूत्र जो है इस बार ये दिया हुआ है 0.9 N 0.9 N O 1.00। तो आपको बताना है कि जो धातु M है, M2 प्लस और M3 प्लस दोनों रूप में पाया जाता है, तो इसमें केवल M3 प्लस का परसेंटेज निकालना, चूंकि ये जेईई मेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो केवल M3 प्लस का ही संख्या निकालना है हम लोगों को, M2 प्लस के बारे में नहीं है। तो सीधे से आप समझ रहे हैं जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने बनाया, इसका मतलब कि M जो है दो रूप में है, M3 प्लस और M2 प्लस। हम इसके परसेंटेज निकाल लें, इसका परसेंटेज इस क्वेश्चन में नहीं निकालना, हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जब आप आंसर कर रहे हैं तो ऑक्साइड लेंगे 0.98 O 00, आप
इतना मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हो गया 98, ये हो गया 100। मान लेंगे जैसा अभी तक आप करते आए हैं, माना M3 प्लस की संख्या कितनी है तो X है, तो एक M3 प्लस के तीन आवेश हैं, इस तरह के M3 प्लस की संख्या X हो गई, अतः कुल आवेश कितना हो गया, तो आवेश हो गया इस पर 3X। अब जब ये 3 M3 प्लस का संख्या जब X हो गया तो इसलिए M2 प्लस की संख्या कितनी हो गई, तो आपके पास 98 है ना, 98 माइनस एक्स, और आवेश कितना होगा बोलिए। हाँ देखिए यहां पर 2 प्लस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 98 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका 2x माइनस आपने 16 नगुना 18 और 19 196 माइनस 20, इसलिए कुल धनराशि निकाल लेते हैं, कुल धन आवेश कितना हो गया जी, तो 3x प्लस 196 माइनस 2x इक्वल टू 196 प्लस x। ठीक जैसा कि अभी आपने देखा कि कुल ऑक्सीजन कितने हैं 100 है, इसलिए ऋण आवेश कितना हो जाएगा, हाँ अभी तो आपने देखा कि एक ऑक्सीजन से दो इकाई ऋण आवेश है, इसलिए ऋण आवेश हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। चूंकि अणु उदासीन है, ये अणु बिल्कुल ही न्यूट्रल है, इसे धन आवेश बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 इक्वल टू 196 प्लस x, देयरफॉर x इक्वल टू हो x किसकी संख्या है 3 प्लस की, इसीलिए m3 प्लस की जो संख्या हो गई वो गई 4। तो हमें संख्या नहीं निकालना है, हमें तो निकालना परसेंटेज, तो निकाल लेते हैं, इसलिए M3 प्लस का प्रतिशत 4 टोटल कितने हैं M 98, आप समझ पा रहे हैं ना, परसेंटेज निकालना हमें 98 टोटल M है, जिसमें से कुछ 3M है कुछ 2M है, 3M की संख्या 4 है, तो अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो 98 डिवाइड x, अब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपका 4.08% इतना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं एम थ्री प्लस कई परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमारे सही जवाब क्या हो गया सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया सी। अगर हमको 2 प्लस की संख्या पूछा जाता तो 100 में से घटा लीजिए, इसलिए अगर एम 2 प्लस का परसेंटेज तो 100 माइनस 4.08 घटा लिया आपने, घटाने का 95.95 पॉइंट कितना हो गया, तो 982 ये परसेंटेज आ गया। लेकिन लोगों से ये क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो चौथा क्वेश्चन है हम लोग का वो एनसीईआरटी के बुक का है, और मजेदार बात है कि मैं नहीं बना रहा, ये आपको बनाना है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैं थोड़ा हिंट्स के उसमें बात बता दूं कि अभी जो हमने जेई मेंस वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, आप ध्यान से देखो वहां यहां पर निकेल है और वहां पर क्या था मेटल, केवल एम दिया हुआ था, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, केवल अंतर ये कि धातु की है, स्पेसिफिक एक धातु दे दिया गया निकेल, नहीं तो अभी कितना था एम 0.98 और ये कितना निकेल 0.9, तो सेम ही है, बिल्कुल वही काम कर देना है, निकेल हो जाएगा कितना, तो 98 से गुणा कर दोगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100, फिर आपको पता है कि जो निकेल है दो रूपों में, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा Ni 3 प्लस के रूप में है और Ni
टू प्लस के रूप में आप इसका संख्या निकाल लो, इसका संख्या निकाल लो, फिर परसेंटेज निकाल लो। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये है क्वेश्चन फॉर यू। क्या है क्वेश्चन फॉर यू? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्लेषण से क्या होता है कि एक धातु का जो ऑक्साइड है, वो धातु के ऑक्साइड का सूत्र ये दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, और धातु के ऑक्साइड में फिर वही धातु M2+ M3+ के रूप में तो निकालना है। मैं उम्मीद करता बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा पॉइंट, एक छोटी सी बिंदु आपको बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर और पहले वाले जो मैं क्वेश्चन बना रहा था, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तो उसमें जो हम क्वेश्चन जो दे रहे थे, जैसे यहाँ पर है तो देखिए दशमलव पर 2 डिजिट है, यहाँ पर दशमलव पर केवल 1 अंक है, तो यहाँ पर 100 से गुणा करना उचित नहीं होगा। अब यहाँ गुणा कर दीजिए कि 10 से, हमने तो दशमलव हटाना ना, तो ये 8 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 10। फिर मान लीजिए M2+ की संख्या x है और 3+ की जो संख्या है वो 8-x हो जाएगा। इधर से आप इसको हल करेंगे। अगर किसी वजह से हल नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना फीडबैक मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर देंगे 9835806582। इस पे आप मुझे अपना बताएंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। साथ में आप अगर कोई चाहते हैं कि कोई टॉपिक है जिसको मैं फिर से उसकी व्याख्या करूँ, एक्सप्लेनेशन करूँ, या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं उसको वीडियो बना करके आप तक पहुँचा दूँगा। जय भारत, अपना ख्याल रखिए।